आज का वीडियो हम सब के लिए एक चैलेंज है, चैलेंज टू एक्सेप्ट व्हाट साइंस हैज टू टेल अस। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुतिका शिंदे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस होम्योपैथी अक्वैकरी और रखी टू द फ्यूचर साइंस। एक तरफ हम देखते हैं कि होम्योपैथी दुनिया में सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिसिंग मेडिसिन है। इंडियन गवर्नमेंट तो होम्योपैथी को आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू काफ़ी सपोर्ट करता है। रॉयल फैमिलीज भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट काफ़ी लेते हैं, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ टू, इनके पास 17 ईयर्स तक एक होम्योपैथ डॉक्टर रह चुके हैं। किंग चार्ल्स ने 2019 में ऐसे कम्युनिटी के वेटरन बने थे जो होम्योपैथी को सपोर्ट करता है। हमारे कुछ इंडियन जैसे महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, या फिर कृष्णमूर्ति है, नितिन गडकरी है, ये सारे लोग होम्योपैथी के सपोर्ट में बात करते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होम्योपैथी को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि होम्योपैथी एक सूडो साइंस है, ये एक अनसाइंटिफिक मेथड है। तो अभी सवाल ये आता है कि एक तरफ जहाँ पे होम्योपैथी को इतना सपोर्ट मिल रहा है तो दूसरी तरफ इतना क्रिटिसिज्म क्यों? एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म होता है होम्योपैथी के एक प्रिंसिपल के ऊपर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन जो होम्योपैथी के फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने उनके बुक में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में कहा है कि जब वो मेडिसिन क्रूड फॉर्म में पेशेंट को देते थे, क्रूड फॉर्म मतलब मेडिसिन का नेचुरल फॉर्म, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मेडिसिन नेचुरल फॉर्म में देते हैं तो पेशेंट्स को कुछ अननेसेसरी सफरिंग्स आती थी, मतलब साइड इफेक्ट्स। तो उनके स्टडीज से, एक्सपीरियंसेस से और कुछ एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऐसे कंक्लूजन निकाला, अगर मेडिसिन के डोसेस हम कम करें और मेडिसिन अगर डाइल्यूट करके पेशेंट्स को दें तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब ये डाइल्यूट कैसे करते हैं? तो उन्होंने एक थ्योरी निकाला जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। इसमें उन्होंने मेडिसिन प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हमें बताया है। तो वो कहते हैं कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस रहेगा, मेडिसिनल सब्सटेंस, जो भी प्लांट सोर्स से हो या फिर मिनरल सोर्स से या फिर एनिमल सोर्स से, उसका एक पार्ट लेना है, उसको 1:100 रेशो से वाटर में या फिर इथेनॉल में मिक्स करना है और उसे विगरसली शेक करना है, स्ट्रोक देके, जिसे हम कहते हैं सकर्शन। और अभी जो एंड रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे 1C पोटेंसी, जो कुछ भी कोई भी मेडिसिन के रहेंगे। अगर हमें 2C पोटेंसी बनाना है तो हमें 1C का एक पार्ट उसमें 1:100 रेशो से इथेनॉल या फिर वाटर ऐड करना है, तो ये बनेगा हमारा 2C पोटेंसी। और ऐसे होम्योपैथी में 6C से लेकर 12C, 30C और 200C तक मेडिसिनल पोटेंसीज है। तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने कहा कि ये सिर्फ डाइल्यूशन की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ मेडिसिन डाइल्यूट नहीं कर रहे, पर इस प्रकार से अगर मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं तो वो कुछ जो मेडिसिनल सब्सटेंस है जो नेचुरल फॉर्म में उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनएक्टिव रहते हैं, अगर इस मेथड से हम मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे तो उसी सब्सटेंस से हम नेचुरल उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो भी एक्टिव करते हैं। अभी अगर सामान्य भाषा में हम देखें तो हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ओनियन से एक होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम है एलियम सेपा। ओनियन हम हमारे लाइफ में कितनी बार कंज्यूम करते हैं, रॉ फॉर्म में या फिर कुक फॉर्म में, पर फिर भी उसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो हम कभी एक्सपीरियंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि ओनियन में जो उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो इनएक्टिव होते हैं, और जब हम ये डाइल्यूशन करते हैं तभी ओनियन से वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो एक्टिव होते हैं। तो इसे उन्होंने कहा कि डायनामाइजेशन है, क्योंकि हम ओनियन से जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो उसके एक्टिव कर रहे हैं, जो एनर्जी है वो दे रहे हैं, और इसलिए इसको क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज आ रही है। पर इसी थ्योरी को आगे जाके बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। कुछ लोगों ने इस थ्योरी को एवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर से रिलेट किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम कुछ नंबर के बाद डाइल्यूशन करें तो एंड रिजल्ट में उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अभी तक जो टूल्स थे उससे उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि होम्योपैथी के सिर्फ 12C या फिर 24X ये पोटेंसी तक ही ओरिजिनल सब्सटेंस पाए जाते हैं। उसके आगे जितनी भी पोटेंसीज है, जैसे 30C पोटेंसी है या फिर 200C पोटेंसी है, इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस पाया ही नहीं जाता, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। पर
थेरापिटिकली अगर हम देखें तो कई बार ये हायर पोटेंसी मतलब जो 12 सी पोटेंसी के आगे जितनी भी पोटेंसीज है जैसे 30 सी है या फिर 200 सी है उनको नाम दिया अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन और उन्होंने ऐसे क्लेम किया कि इसमें सिर्फ पानी है और ये सिर्फ प्लासिबो है। तो यहाँ से प्लासिबो की कंसेप्ट ऊपर आने लगी। पर थेरापिटिकली अगर हम देखें तो ये हायर पोटेंसी भी क्यूरेटिवली बहुत अच्छे से एक्ट कर रहे थे। कई पेशेंट्स ये हायर पोटेंसी से ठीक भी हो रहे थे और इसीलिए ये थ्योरी को कंप्लीट रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे पर इसको कंप्लीट एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी तक ऐसे कुछ टूल्स बने ही नहीं थे जो मटेरियल लेवल पे ये क्लेम कर सके कि 30 सी पोटेंसी और 200 सी पोटेंसीज में भी ओरिजिनल सब्सटेंस पाया जाता है। तो ये 200 साल तक होम्योपैथी को इसी वजह से क्रिटिसिज्म मिल रहा था। 200 साल होम्योपैथी में कई सारे रिसर्चेस हुए पर अभी तक ऐसे कुछ टूल्स नहीं बना था। तो हाल ही में एक रिसर्च हुआ, ये स्टडी 7 से 8 साल तक चल रहा था अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर जॉर्ज विथोल्कस। उन्होंने कुछ टूल्स यूज किए थे जैसे टेम्स है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये टूल एक्चुअली हमें नैनो पार्टिकल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डायरेक्ट लर्निंग एल्गोरिदम, ये टूल्स का भी यूज़ किया और उन्होंने ऐसे कंक्लूजन निकाला कि होम्योपैथिक हाई अल्ट्रा हाई डाइल्यूशंस में भी ओरिजिनल सब्सटेंस पाया जाता है। और अगर हम कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस टूल्स से अगर स्टडी करते हैं तो ये स्टडी हमें कंक्लूजन दे सकता है कि होम्योपैथी इज नॉट जस्ट अ प्लासिबो, ये सिर्फ वाटर नहीं है पर इसमें भी ओरिजिनल सब्सटेंस पाया जाता है। और ये स्टडी जनवरी 2024 में सबमिट किया और सक्सेसफुली मार्च 2024 में ये स्टडी एक्सेप्ट हुआ और सक्सेसफुली पब्लिश भी हुआ। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पेपर व्हिच इज For the first time, we saw that the remedies are not pure water. And since the main argument of the skeptics and all those against it was that we give water, pure water. So if you take into consideration that all the attack on homeopathy was based on that fact that the remedies have nothing inside, only water. It's a great achievement to reach this point. And I want to explain something further. The main point for me is that this combination of tools that we used in order to prove the validity of this system that we found out, it's very important. Why? Because it can be repeated. You see, we show the way to repeat this experiment and have the same results. तो इसीलिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि होम्योपैथी सिर्फ एक प्लासिबो है या क्वैकरी है, but it is actually the key to the future medicine. और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो हम सब के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज टू एक्सेप्ट होम्योपैथी, चैलेंज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। 200 साल तक हम हमारे आँखों पे एक पट्टी लगा के आ रहे थे जहाँ पे हम साइंस को सिर्फ रिजेक्ट कर रहे थे, पर अब हम सब के लिए एक चैलेंज है कि वो हमारी आँखों की पट्टी हम निकालें और जो साइंस कहना चाहता है हम फाइनली वो सुने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। लेट्स स्प्रेड द ट्रूथ टुगेदर।